लोकसभा चुनाव में करारी हार से एनसीपी अजीत पवार गुट के टूटने की चर्चा जोरों पर है। खबर है कि अजीत पवार गुट के 18 से 19 विधायक शरद पवार गुट के संपर्क में हैं। एनसीपी शरद पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने तो ऑन रिकॉर्ड दावा किया है कि कई विधायकों के फ़ोन उन्हें आ रहे हैं। हालांकि खुद अजीत पवार ने इस बात का खंडन किया है और कहा है कि सभी विधायक उनके साथ हैं, लेकिन अजीत पवार एनसीपी पार्टी में इस चर्चा को लेकर गहमागहमी जारी है। कल सुबह अजीत पवार ने अपने सरकारी बंगले पर पार्टी के बड़े नेताओं की मीटिंग ली, जिसमें प्रफुल्ल पटेल, प्रदेश एनसीपी अध्यक्ष सुनील तटकरे और राज्य में मंत्री छगन भुजबल जैसे बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। मीटिंग में पार्टी की हार के कारणों की मीमांसा की गई। तो शाम को ट्राइडेंट होटल में पार्टी के विधायक दल की मीटिंग रखी गई थी, लेकिन उस मीटिंग में 5 विधायकों के नहीं पहुँचने से चर्चा को बल मिला। मीटिंग में नहीं पहुँचने वालों में विधायक सुनील टिंगरे, धर्मराव आत्रम, राजेंद्र शिंगड़े, नहरेरी जिड़वर का नाम प्रमुख रहा। बताया गया कि नहरेरी जिड़वर विदेश में है इसलिए नहीं आ पाए, तो बाकी भी अपने निजी कारणों की वजह से नहीं आ पाए। दरअसल इस लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में महायुति के प्रमुख घटक बीजेपी को भी बड़ा झटका लगा है, जो खुद सिर्फ 9 सीटों पर सिमट गई है। लेकिन सबसे बुरी स्थिति एनसीपी अजीत पवार पार्टी की है। खुद अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार बारामती से हार गईं और उनकी पार्टी का सिर्फ एक ही सांसद जीत पाया। पिछले साल एनसीपी नेता अजीत पवार जब पार्टी तोड़कर बीजेपी के साथ राज्य सरकार में शामिल हुए थे, तब पार्टी के 53 में से 41 विधायक अपने साथ लाए थे। इतना ही नहीं, पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह भी शरद पवार से छीनने में कामयाब हो गए थे। लेकिन अब जब लोकसभा चुनाव में बड़ी मुश्किल से सिर्फ एक सीट ही मिली है, तो सबके अरमानों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। इसलिए अब चर्चा है कि सत्ता के लालच में शरद पवार के साथ छोड़ आए एनसीपी के विधायक अब वापस शरद पवार के साथ जा सकते हैं। कल विधायक दल की मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए अजीत पवार ने माना कि लोकसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय का साथ नहीं मिला और किसानों के कई मुद्दे जो हैं उनका नुकसान हुआ, संविधान बदलने का विपक्ष ने जो मुद्दा उठाया उसका भी नुकसान हुआ, तो अजीत पवार ने बारामती के नतीजे पर भी हैरानी जताई और हार की नैतिक जिम्मेदारी खुद पर लेते हुए विधानसभा अध्यक्ष चुनाव के लिए तैयारियों में जुटने का दावा किया। अजीत पवार ने यह भी दावा किया कि कोई भी विधायक नाराज नहीं है और सभी साथ में हैं, इसलिए जो खबरें चल रही हैं वो विरोधी जानबूझकर भ्रम फैलाने के लिए चला रहे हैं। लेकिन बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार बार बार पाला बदलने के लिए बदनाम है, वैसा ही कुछ अजीत पवार को लेकर महाराष्ट्र में भी अनुभव रहा है। बीजेपी के साथ सरकार में शामिल होकर अचानक से एक बार वो वापस शरद पवार के पास साथ जा चुके हैं। यही वजह है कि अब उनके साथ आए विधायकों को लेकर भी चर्चा तेज है। मुंबई से कैमरामैन सागर शिर्के के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया।